घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव 2014 से पहले एक बार फिर नए गठबंधन को तलाशा जा रहा है और तराशने की पूरी कोशिश हो रही है। दो गठबंधन एनडीए और यूपीए लगभग कई सालों से 1998 से लेकर 99, फिर 2004 में चुनाव हुए, फिर 2009 में चुनाव हुए, गठबंधन की सरकारें बन रही है और जिस तरह की समस्याएं देश में है और बढ़ती जा रही है, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या ये गठबंधन की सरकार सक्षम है? क्या देश में गठबंधन की सरकार की जरूरत है या जरूरत है एक मजबूत एक पार्टी की सरकार के? अब एक पार्टी की सरकार की स्थिति जो बनती है कि बिना गठबंधन की कोई सरकार बनते हुए दिख नहीं रही, तो क्या यह सवाल जायज है? कितना जायज है कि देश में गठबंधन की सरकार की जरूरत है? क्या गठबंधन की सरकार देश का उद्धार कर सकती है या फिर दरकार है एक ऐसी पार्टी की सरकार बने जो मजबूत हो, चाहे किसी भी पार्टी की बने। पार्टी भी नेशनल सिर्फ यहां पे दो रह गए, कांग्रेस और बीजेपी। ऐसे में गठबंधन की सरकार के अलावा कोई विकल्प भी है? ये तमाम सवाल है। हमारे साथ दो वरिष्ठ नेता हैं देश के, एक हरियाणा से आते हैं, जगदीश नेहरा साहब है, उपाध्यक्ष है हरियाणा कांग्रेस कमेटी के, और अवनी रॉय साहब हैं, वरिष्ठ नेता है, आरएसपी के पूर्व सांसद हैं, और इन्होंने एक नहीं दो नहीं कई गठबंधन के सरकार देश में बनते हुए और गिरते हुए देखा है। अवनी रॉय खास करके इस बात पे ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे कि क्या इसकी जरूरत है और जरूरत है तो क्यों जरूरत है, क्या ये जो निदान चाहिए देश को समस्याओं से वो दे सकते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र धर्मानी जी और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं। दादा, सबसे पहले आपसे सवाल बहुत साफ है, गठबंधन की सरकार जो देश में रही है वो उसका परफॉर्मेंस किसी भी सरकार की बहुत अच्छी नहीं रही। देखिए, पहली बात ये है कि देश में स्वराज मिलने के बाद या जनवादी व्यवस्था होने के बाद हमारे देश में एक ही पार्टी की सरकार बहुत दिन थी और लगभग उन्होंने ही अपने काम कार्य के लिए या पूरे देश को ठीक ढंग से देखने ना देखने के लिए बहुत सारे पार्टी उसमें से उभर के हर राज्य में एक ना एक बन चुकी है जी। क्यों ना सभी राज्यों की ओर उनकी दृष्टि बराबर की नहीं थी, जिस कारण उनके वहाँ की जनता की खोब था और वो खोब के अनुसार हर जगह में नई पार्टी बनी है और कुछ जो है उनकी अंदर से लीडर निकल के ही पार्टी बनाई। इससे अलावा उस टाइम विरोधी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा जो थे लेफ्ट माइंड लेफ्ट थे और लेफ्ट के साथ साथ कुछ समाजवाद के जो थे, उनके अंदर भी एक देशभक्ति और देश प्रेम की भावनाएं थी और देश को बनाने वाली बात थी। वो दिन बीत गए 64-65 साल के बाद। उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता करके देश की जो उसकी नेशनल पार्टी कहा जाता है, और नेशनल पार्टी के मतलब जो है पूरे नेशन को जो देखता है जी। लेकिन हमारे देश की जो है नेशनल पार्टी के मतलब है कि चुनाव अधिकारी किसको किसको नेशनल पार्टी कहते हैं, उनकी एक जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अनुसार उन्होंने नेशनल बनाते हैं। और जितनी सारी नेशनल पार्टी है मतलब थे, आज आहिस्ता आहिस्ता वो भी रीजनल बनते जा रहा है। दुर्भाग्य के विषय ये है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कुछ राज्य में है तो कहीं नहीं है, कहीं वो विरोध की भूमिका है कहीं ऐसी बात है। कांग्रेस की हालत भी वही है और बाकी जितनी सारी आंचलिक पार्टियां जो है वो अपनी अपनी जगह पर एक राज कायम कर रही है, जैसा तमिलनाडु में है, एक खाली केरल जो है जहाँ एलडीएफ और यूडीएफ दो बनी हुए बहुत दिन से और एक बार ये एक बार वो ऐसे चल रही है। यहाँ डीएमके तोड़कर एडीएमके डीएमके हुई है वो तमिलनाडु की है, कर्नाटक की हालत आपको मालूम है, गुजरात महाराष्ट्र जो है पूरा जो है, और ऐसा करते करते देश में अभी जो पोजीशन है एक कोलिशन या ये कोई राष्ट्रीय पार्टी आप है ही नहीं, आप ये कह रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी नहीं है इसी कारण के लिए पूरे राष्ट्रीय चिंता की जो है वो भी कम हो गया। बिल्कुल, सब अपनी अपनी जगह की चिंता कर रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी कोई नहीं है इसलिए
कोई राष्ट्र के प्रति चिंता भी नहीं है, पूरे राष्ट्र की बात भी नहीं है, चिंता नहीं तो है, लोग अपने अपने पॉकेट्स में राज्यों के तरफ और हैं। वो भी यहाँ जो आते हैं जी, ये जो सरकार के साथ किनकी कितनी पद मिलेगी, किनको क्या नहीं है, वो फिर अपने आगे जाके सत्ता के साथ कैसे व्यवहार करेंगे वो तो बात की बात। जी जगदीश नेहरा साहब, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, उस पार्टी से तो टूट कर कई पार्टियां बनी जैसे दादा ने कहा, और अब पार्टी जो है, आपकी पार्टी भी जो है कई राज्यों में है ही नहीं, तो राष्ट्रीय पार्टी वही है जो जिनको चुनाव निर्वाचन आयोग ने जिन्हें चिन्हित किया है कि ये राष्ट्रीय पार्टी है, तो क्या कांग्रेस के विघटन या कांग्रेस के टूटने या कांग्रेस के कमजोर होने या कांग्रेस की आंतरिक कमजोरी के कारण ये स्थिति बनी है कि अब राष्ट्रीय एक पार्टी की कोई सरकार नहीं बन सकती इस देश में? देखो जी, जो राष्ट्रीय पार्टी मोटे तौर पे हम कह सकते हैं वो दो ही हैं, कांग्रेस और बीजेपी। वो मोटे तौर पे ही कह सकते हैं, जो दादा ने कहा कि कई जगह पर है ही नहीं, लेकिन गठबंधन की सरकार है वो देश के हित में नहीं है, ये बात तो है। लेकिन जब पार्टी ही नहीं है राष्ट्रीय, तो फिर गठबंधन के अलावा विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? ये बात ठीक है, लेकिन देश को सोचना पड़ेगा, वोटरों को भी सोचना पड़ेगा कि वोटर के आधारित जब तक कोई पार्टी नहीं आएगी तब तक देश का भला नहीं हो सकता। मैं कांग्रेस के लिए कह सकता हूं, कांग्रेस की नीतियां जो हैं, जो सिद्धांत हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कांग्रेस के नीतियों और सिद्धांत के बारे में देश को पता है? मैं माफी चाहता हूँ। कांग्रेस के सिद्धांत, कांग्रेस की नीतियां की वजह से देश में जो दादा ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी सिमट के कुछ राज्यों तक पहुंच गई है, तो गठबंधन गठबंधन की मजबूरी इसलिए है कि राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो कह रहे हैं। तो इसलिए गठबंधन जो है वो देश हित में नहीं है, मैं ये कहता हूं। और देश हित में इसलिए नहीं है कि जो पार्टियां आती हैं उनका अपना अपना मतलब होता है, चाहे कोई पार्टी कहीं से आए, कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, मान लिया तमिलनाडु से कर रही है, तो उनका हित तमिलनाडु है, उनका हित पंजाब या जम्मू कश्मीर नहीं है। इसी तरह जो कर्नाटक से आएगी, आंध्र प्रदेश से आएगी, तो आपने बना दी ना वो जमीन, आपने तैयार कर दी कि कांग्रेस को जो एक राष्ट्रीय पार्टी थी उसको छोटा करते करते आप ऐसे जगह पे पहुंचा दिए हैं जहां राष्ट्रीय सोच ही नहीं है अब। ये कांग्रेस में भी नहीं है, नहीं, लोगों के मुद्दे ऐसे आ गए, निजी मुद्दे आ गए, और जिनको लोग समझ नहीं सके कि राष्ट्र क्या है और निजी क्या है, जो बातें निजी, चाहे भाषा के आधार पे बनी, चाहे धर्म के आधार पे बनी, चाहे क्षेत्रवाद के आधार पे बनी, लोग वहीं तक सीमित रह गए कि हमारी बात ये पार्टियां सुनती हैं, केंद्र की नहीं सुनती, जबकि केंद्र का मकसद सारे देश के लिए था, लेकिन ये पार्टियां धीरे 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 जो अपने छत्रपति बन गए वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि आपने उन राज्यों को नहीं देखा। राज्यों को नहीं देखा, कांग्रेस ने वो काम नहीं किए जो राष्ट्रीय पार्टी करना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, तमिलनाडु की बात ले ली, तमिलनाडु के कामराज थे वो देश के शीर्ष नेता। जगदीश जी, मैं आपके पास आऊंगा, लौट के आऊंगा, बहुत कम शब्दों में चाहूंगा पुष्पेंद्र जी और धर्मानी साहब, आप हमें सिर्फ इस बात की क्या गठबंधन की सरकार देश की समस्याओं से जूझ सकता है, उसका निदान, उससे निजात देश को दिला सकता है? नहीं दिलीप जी, इसमें एक बात साफ है, जो खासतौर से जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं वो जो बात कह रहे हैं उसमें कुछ हद तक सच्चाई इसलिए भी है कि जो हमारे यहाँ गठबंधन का जो मामला है, अगर हम देखें कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो किसी सेंटर पार्टी के साथ मिलकर, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो गठबंधन करते हैं, और इन क्षेत्रीय दलों का जब राष्ट्रीय दल के साथ ये आके जुड़ते हैं और एक गठबंधन की सरकार बनती है, तो हमने कई, चाहे वो बीजेपी के साथ हो चाहे कांग्रेस के साथ हो, हमने ये देखा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं ये इनके क्षेत्रीय दृष्टिकोण होता है इनकी, बहुत ज्यादा कि किस तरह से हमको ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी मिल जाए, किस तरह से हमारे राज्य को फायदा हो जाए, इनका राष्ट्रीय जो व्यू होना चाहिए, जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए नेशनलिस्टिक, वो नहीं होता, इनको पता नहीं है चाइना के साथ कैसे होना है। मुझे लगता है कि ये एक कारण है। दूसरा ये है कि ये क्षेत्रीय पार्टियां किसी भी बड़ी राष्ट्रीय नीति को बनाने में इनका कम योगदान होता है, बल्कि उसको तोड़ने में ज्यादा होता है, लिहाजा ये ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स करती हैं, चाहे वो स्थिति तो बनी है। धर्मानी साहब जी, जो पुष्पेंद्र कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो जगदीश नेहरा जी जो दादा कह रहे हैं कि आज कोई राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं है, तो फिर गठबंधन नहीं तो और विकल्प क्या है?
देखिए, जो बात आप कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि आज की डेट में पूरे देश के अंदर ये जो दो पार्टियां, जैसे अभी नेहरा जी ने कहा, दोनों पार्टियां कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होकर रह गई हैं, इसलिए विकल्प तो गठबंधन ही है आज की डेट में। और पिछले दो विकल्प अगर गठबंधन नहीं है तो सवाल यही है, मैं कुछ और कह रहा हूं जी। दो दशकों से ये जो चल रहा है गठबंधन चल रहा है, इसके कारण क्या है वो मेरे को लगता है एक अलग डिबेट का विषय है। चलिए, लेकिन जिसमें मैं ये कहना है कि अगर गठबंधन देश हित में होने चाहिए तो उसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और गठबंधन इलेक्शन से पहले डिक्लेयर होना चाहिए, उसके बाद अलाउड नहीं किया जाना चाहिए। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं, चर्चा जारी रखेंगे। होने के बाद आएगा